बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हों खैरियत से हों, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं दही फुल्की की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ टिप्स भी मैं इस रेसिपी के मतलब शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो शुरू कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे और उसमें हमने 2 कप बेसन ले लेना है। पहली टिप हमारी ये है कि ये बेसन चना उगाना चाहिए, और 2 चुटकी हमने खाने का सोडा और 1 चम्मच नमक डालकर हल्के हल्के पानी डालकर हमें इसे मिक्स कर लेना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब भी बेसन फेंटें तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले इसे मिक्स कर लें। जो हमने बेसन छाना है उसकी वजह से ये लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार होगा। तो इसे किसी चमचे से विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे फेंटना शुरू करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। 1 चमचे के करीब पानी और डाल रहे हैं। अब हमने हाथ को अच्छी तरह से धोया और फिर इसको फेंटना शुरू किया। तो एक ही साइड से हमें बैटर को फेंटना है, रॉन्ग साइड से हमें नहीं फेंटना, क्योंकि एक साइड से अगर हम इसे फेंटेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी एयर बन जाएगी, जिससे पकौड़ियाँ बहुत फूली फूली सी हमारी बनकर तैयार होंगी। अब हमने एक बाउल में 2 कप दही ले लिया है। दही भी हमने काफ़ी थिक वाला लिया है, एकदम ताज़ा दही है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो विस्कर से या छन्नी से छान लें, या इसी में एक बार चला दें, एकदम क्रीम जैसी ये दही बनकर तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो पानी डालने से पहले दही को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ज़रूरी है। आपकी दूसरी टिप ये हो गई है। अब हमने 1/4 कप के करीब पानी इसमें और शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हमने काला नमक डाल दिया, 1 चम्मच हमने नॉर्मल नमक, और 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर नमक मिर्च कुछ कम लगे तो और भी शामिल कर सकते हैं। काफ़ी हल्के मिर्च के बन के तैयार होंगे, या चटपटा खाते हैं तो मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने दही भल्ला मसाला डाला है। ये हमारा होममेड मसाला है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर डली हुई है दही भल्ला के रेसिपी के साथ। तो अब हमने 1 कप तेल एक पैन में डालकर गरम करने रख दिया है। तो गरम जब हो जाए तो थोड़ा मीडियम करेंगे चूल्हे को, और फिर हम पकौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। दूसरी टिप हमारी यही है कि एकदम तेज़ आँच पर हमें पकौड़ियाँ नहीं बनानी है। मीडियम करेंगे फिर हम ये पकौड़ियाँ बनानी शुरू करेंगे। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा बैटर मैं डालती जा रही हूँ हाथ से। जिनको प्रैक्टिस है वो हाथ से बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं। अगर हाथ से आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप चमचे की मदद से भी ये पकौड़ियाँ बना सकती हैं। तो चूल्हा मीडियम रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने बिल्कुल स्लो चूल्हा कर दिया तो पकौड़ियों में ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर आपने तेज़ चूल्हा कर दिया तो ये पकौड़ियाँ ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो जिस तरह की आँच हमें रखनी है उसमें हमें ये छोटे छोटे से होल नज़र आ जाएंगे। तो ये अंदर तक सिक रही हैं पकौड़ियाँ। हल्का हल्का सा पैन को हिला दें। तो पैन मैंने किसने लिया है, कढ़ाई क्यों नहीं ली, पैन में बहुत जल्दी हमारी ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी, ज़्यादा मकदार में बनेंगी। तो जब ये एक तरफ से ऊपर से सूखी सूखी नज़र आने लगे, खुश्क हो जाए जो हमारा बैटर है, तभी हम इसे पलटना शुरू करेंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से हमने पहली पकौड़ी डाली थी, और एक एक कर हमें सारी पकौड़ियाँ पलट देनी हैं। तो बेसन को 4 से 5 मिनट फेंटना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से ये पकौड़ियाँ एकदम फूली फूली और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अगर ऐसे ही खाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी होंगी, और ये हम दही में डाल देंगे तो ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। हल्का हल्का सा पैन को हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है कि पूरी पकौड़ियाँ इसमें डूब जाएँ। जब अच्छी तरह से अलट पलट कर तैयार हो जाएंगी तो हम इसे दही में डालना शुरू करेंगे। जो पहली बार बना रहे हैं वो एक पकौड़ी निकाल कर तोड़ कर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा ये एकदम अंदर से जालीदार है। तो पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है और इसे हम निकालना शुरू कर देंगे। तो कलर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डार्क या लाइट, लेकिन पकौड़ियाँ ये अच्छे से सिक चुकी हैं। तो हम डायरेक्ट दही में डालेंगे ये फुल्कियाँ। तो हल्का सा झटक लेंगे चमचे को ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और फिर हम सारी दही में डाल देंगे। और एक बात आप ये भी ध्यान रखें, जब दही बड़े या पकौड़ियाँ बना रही हों या कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बना रही हों तो बेसन काफ़ी पुराना नहीं होना चाहिए। तो कढ़ी के बैटर में या बेसन की रोटी में ये चल जाता है, लेकिन पकौड़ियों के लिए ठीक नहीं रहता। तो ज़्यादा पुराना बेसन पकौड़ियों के लिए यूज़ ना करें। अब जो बाकी हमारा बैटर रह गया है उसकी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम पकौड़ियाँ डाल रहे हैं, छोटे साइज़ की हैं, जब ये फ्राई होने लगती हैं तो ये बड़ी होने लगती हैं। यही इसकी पहचान है कि ये अंदर तक सिक चुकी हैं, क्योंकि अगर हमने अच्छे से बेसन नहीं फेंटा होगा तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और एक गुठली सी इसमें रह जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है खाते में। तो इसलिए हमेशा जब भी बेसन लें तो ताज़ा ही लें और अच्छी तरह से उसे फेंट लें। और अगर थोड़ा पुराना हो तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, आप जब उसको फेंटें तो हल्के गुनगुने पानी से फेंटें, और थोड़ा उसमें नींबू की रस की कुछ बूंदें शामिल कर दें खाने के सोडे के साथ ही, तभी उसकी पकौड़ियाँ सही बन पाती हैं।
तो ये बाकी का भी थोड़ा सा बैटर रह गया था वो मैंने डाल दिया है पैन में और हल्के हल्के से हिलाकर हम इसको तैयार कर रहे हैं। दही बड़े जो हैं कई तरीके के बनते हैं, हरी चटनी वाले या लहसुन की चटनी वाले या इमली के पानी वाले, सभी तरह के दही बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, टेस्ट को एकदम इन्हेंस कर देते हैं। कभी भी मन करता है कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए तो इसी तरह की कोई चीज़ जो हम घर में बहुत ही ईजीली बना लेते हैं, जब इमली है तो इमली के पानी वाले बना लेते हैं, और अगर हमारे पास पानी का कोई अचार है तो हम कांजी वड़ा बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये सब चीज़ें। ठीमे के दही बड़े भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ब्रेड के दही बड़े भी बहुत टेस्टी लगते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो ब्रेड के दही बड़े बनाकर अगर उनको खिलाएं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो और दही बड़े की रेसिपी भी मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी को भी आप इंजॉय करें, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी पकौड़ियों में ऑयल नहीं रहता अगर अच्छे से हमने बेसन को फेंट लिया है और दरमियानी हमने आँच रखी है पकौड़ियों को फ्राई करते हुए। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरह से सीख चुकी हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी पकौड़ियाँ हम रोक लेंगे क्योंकि जब भी कभी दही बड़े बनाते हैं तो इसकी खुशबू से ही मन करता है पकौड़ियाँ खाने का, तो वो हम अब निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम क्रिस्पी सी ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है नमक के अलावा। तो ये हरी चटनी सौंठ के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। अब हमने बाकी का तेल निकाल दिया, सिर्फ एक चम्मच तेल रहने दिया, उसमें एक चम्मच जीरा डालकर तड़का लगा देंगे दही बड़े में। तो हमने प्याज ली है, उसे गोल गोल काट लिया बारीक बारीक, उसे धोकर बिल्कुल लास्ट में भंगार के बाद दही बड़े पे सजा दिया और ऊपर से हमने हरा धनिया कट करके डाल दिया। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।